एक मेरा छोटा सा पैगाम है, अक्सर लोग जो ना पूछते हैं यार कि आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं, और फार्मूले के पीछे लोग भागते हैं। सही बात है। चार बच्चे ये हैं, और इससे पहले क्लच में जो है ना इसने दो बच्चे निकाले थे। अच्छा। वो सेल्फ हो चुके हैं। पहले क्लच में चार बच्चे निकाले, चारों मौजूद है इसके साथ। अच्छा। और इसके पेरेंट्स के अंदर माँ जो है बार ब्लू यूविंग है। अच्छा। और मेल जो है ब्लू फिशरी है। माशाल्लाह इसके पांच बच्चे थे, इसमें एक जीडी ब्लू यूविंग की मादा थी। अच्छा। ये देखें पीछे से नजर आ रही है, इसके अंदर ब्लू फिशरी मेल है ना। अच्छा अच्छा। ये उन सबके जो है वो पेरेंट्स के अंदर जो बाप है ना वो ये। अच्छा अच्छा। मतलब पार ब्लू सबके साथ आप ये मेल। अच्छा, यहाँ पर बताएं। और सामने देखें ये मेरा जो है मिस्टी वर्किंग, मिस्टी एज वर्किंग का पेयर है। अच्छा मेरी। अच्छा ये जो माँ बाप है इसके अंदर, ये भी मेरी होम ब्रीड है। अच्छा। इसमें मादा डायलूट एज सिंगल फैक्टर मिस्टी की मादा है। सही। ठीक है। और ब्लू फिशरी सिंगल फैक्टर मिस्टी का मेल है। अच्छा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इसने चार चिक्स दिए हैं। सही, जबरदस्त। और इसी के नीचे निकलवाए आपने? हाँ हाँ, ये इसी के नीचे। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम खत्म हो गया था मेरे को। अच्छा। तो इसलिए मैंने चार इसी निकलवाए। इसने पांच अंडे दिए थे पहले क्लच में। अच्छा माशा। और ये पेरेंट्स इसके ना, ये भी मेरी होम ब्रीड है। सही। पांच पांच अंडे दिए थे, तो जिसमें चार फर्टाइल, चार पांचों फर्टाइल थे, पांचों भी इसके अंदर है अभी। अच्छा मौजूद है, मौजूद अंडा। सही, जबरदस्त। अच्छा बच्चों की एज भी बताएं। ये बच्चे मेरे ख्याल से, पहला बच्चा इसके अंदर सबसे बड़ा जो है ना, वो मेरे ख्याल पांच दिन का होगा। हाँ। मतलब अभी न्यूली बॉर्न। हाँ बिल्कुल न्यू है। सही, जबरदस्त। लेकिन बच्चे बोले बच्चे पालती है मादा, क्योंकि अच्छा, मादा जो है ना बहुत हार्ड है, ये हाथ नहीं डालने देती जल्दी। सही, एग्रेसिव है। हाँ बहुत ज्यादा। सही, जबरदस्त। लेकिन ये भी मेरा जो है डबल फैक्टर मिस्टी का मेल है, और वायलेट फिशरी की फीमेल है। अच्छा अच्छा। देखिए सामने फीमेल बैठी हुई है, इसने दो बच्चे निकाले हुए हैं, और मजीद चार अंडों पर ही बैठी है। पीछे, हाँ, पीछे इसके देखे मेल बैठा हुआ है, डबल फैक्टर मिस्टी है वो। अच्छा, देखे अच्छा। पर्पल शेड दे रहा होगा ये, सही, ये सही, देखे ये आ गया, सही, ये बाहर आ गया। इधर से देखें जरा, ये देखें, ये डबल फैक्टर मिस्टी है। अच्छा ये मेल है। हाँ ये मेल है, इस पर फ्लैश देते हैं तो ये डबल फैक्टर जो है ना देता है। वरना अच्छा, ये देखें, वरना ये ब्लू है, जिस तरह ब्लू फिशरी होती है। अब इसमें देखें माशाल्लाह छह अंडे थे, छह एग्स थे। अच्छा, और दो बच्चे निकल चुके हैं गालिबन। सही। अच्छा ये भी इसी की, इसी के नीचे। हाँ ये भी इसी के नीचे माशाल्लाह। सही था। छह अंडे माशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास अब रेशियो जो है ना दूसरे क्लच के अंदर तीसरे क्लच में छह का आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और सबके सब फर्टाइल हो रहे हैं, तो इसी से मेरे को फोस्टिंग पेयर कम पड़ रहे हैं। सही है। अच्छा यहाँ पर बताएं, ये कौन सा भाई? देखें ये पेयर है मेरा अल्बाइनो रेडाई का जो है, इसके अंदर अल्बाइनो रेडाई की फीमेल है। अच्छा। और लॉटिनो पसनाटा रेडाई जो है वो मेल है। सही। लेकिन मेरे को फोस्टिंग पेयर कम पड़ रहे थे, इस वजह अच्छा। से मैंने जो है वो इनके अंडे हटा के अच्छा ऑफलाइन के अंडे रखे हैं इसके अंदर ना, इसके नीचे। हाँ एक बच्चा इसके अंदर इनका अपना है रेडाई, और बाकी जो है इसमें ऑफलाइन के हैं। अच्छा अच्छा। अभी बताएं कितने बच्चे हैं इसके अंदर? इसके अंदर मेरे ख्याल से पाँच बच्चे होने चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। ये भी न्यू है बिल्कुल? हाँ ये भी न्यू है। अच्छा माशाल्लाह। आप पीछे करें, मैं थोड़ा मैं आपको हाथ में निकाल के दिखाता हूँ। बहुत बहुत मामूली से हैं। देखें उसामा भाई माशाल्लाह ये पांच बच्चे हैं, ये देखें। और देखें सबके पोटे माशाल्लाह। ये इसका अपना बच्चा है रेड आई है। सही। ठीक है। ये ऑफलाइन के हैं, ये ऑफलाइन है। बाकी एक बच्चा इनका मतलब अपना है? दो हैं, सॉरी दो बच्चे। ये देखें ये भी रेड आई है। अच्छा अच्छा। हाँ दो इनके अपने हैं, और तीन बच्चे जो है ऑफलाइन के। तीन बच्चे ऑफलाइन के। सही है, जबरदस्त। पाँच बच्चे माशाल्लाह पाल लिए। अच्छा उसमें भाई देखें ये मेरा फोस्टिंग पेयर है। अच्छा अच्छा। हाँ इसमें जो है वो सेबल की जो है मादा है। सही। और ग्रीन फिशर का मेल है। सही, जबरदस्त। और इसके नीचे में ऑफलाइन के चिक्स मैंने फोस्टर किए हैं। अच्छा ऑफलाइन के। हाँ ये पांच एग्स जो है वो ऑफलाइन के हैं माशाल्लाह। अच्छा एग्स को कितने दिन होगा ये भी बता? बस ये तकरीबन जो है वो 18 दिन तकरीबन होगा इनको। अच्छा मतलब अब निकलने के? हाँ निकलने के करीब है माशाल्लाह। पांच एग्स हैं ये। अच्छा ये राइटिंग किस किस वजह से करते हैं? मैंने इसमें असल में, इसने असल में ना लेट भी अंडे दिए हैं कुछ। अच्छा अच्छा। तो मैं एहतियाती तौर पे लिख देता हूँ, ताकि अगर इसका अपना अंडा भी आता तो सादा होगा, मैं हटा देता हूँ। डेट लिखी हुई आपने? नहीं इस पे नाम लिखा हुआ मैंने। अच्छा ब्रीड का नाम? हाँ ब्रीड का नाम जिसके अंडे। अच्छा यहाँ पर बताएं। और सामने देखें ये मेरा अल्बाइनो रेडाई का पेयर है। अल्बाइनो रेडाई। पहला क्लच मैंने इसका लिया था, तो बच्चे सेल्फ हो गए, और माशाल्लाह वो सेल आउट भी हो गए तकरीबन। सही। और इसने दूसरे क्लच के माशाल्लाह लेंग कर दिए। अच्छा मतलब एक्स आ चुके हैं? हाँ एक्स आ चुके हैं, और तकरीबन दो से तीन फर्टाइल भी है इसमें ना। अच्छा माशाल्लाह। ये देखें फोर तकरीबन फोर चार है। सही, जबरदस्त। तो इसमें से दो फर्टाइल, दो तकरीबन फर्टाइल है, क्योंकि हाँ ये बड़ी स्पीड में देती है, डेली बेसिस के ऊपर अंडा देती है ये। अच्छा माशाल्लाह। हाँ अच्छा एक क्लच के बाद दूसरे क्लच में कितना टाइम लगता है? देखें अगर मैंने इसने, बल्कि इसको तो मैंने बच्चे जब इसके सेल्फ हुए थे ना। अच्छा। तो मजबूरन मेरे को बच्चों को अलग करना पड़ा, इसने अंडा जो है ट्रे पे दे दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। तो बच्चे हटा के फिर मैंने इसको वो मटकी दी, तो उसने माशाल्लाह जो है ना वो दोबारा से लिंग कर दिया। और जो अंडा इसने ट्रे पे दिया था वो भी बड़े सेफली दिया था इसने। अच्छा। तो वो भी हाँ वो मैंने इसके अंदर ही रख दिया था, कोने में लूसन बना के जो है दे दिया। अच्छा यहाँ पर बताएं। और सामने देखें ये मेरे जो है ना फोस्टिंग पेयर है वैसे। अच्छा अच्छा। और इसके अंदर जो है पाँच चिक्स हैं, ऊपर से देख लें आराम से नजर आएंगे।
इसमें 5 चिक्स हैं। अच्छा ये बताएं किसके? ये इसके पेरेंट्स के अंदर माँ जो है पार ब्लू यूविंग है। अच्छा अच्छा। और मेल जो है ब्लू फिशरी है। तो ये दूसरे क्लच के बच्चे हैं, पहले क्लच के भी बच्चे आपको दिखाता हूँ, सेल्फ हो गए। अच्छा। और इनके पेरेंट्स ने माशाल्लाह तीसरे क्लच के जो अंडे दिए थे उसमें भी बच्चे निकल गए। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इसमें किस हिसाब से ये भी बताएं मेल फीमेल का मतलब क्या रेशियो है? इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि पार ब्लू है ना, पार ब्लू और ब्लू फिशरी और ब्लू यूविंग, पार ब्लू यूविंग इसमें हर किस्म के बच्चे आएंगे। तो ये मैं फिर डीएनए कराता हूँ। अच्छा इसमें जब ये सेल्फ हो जाएंगे ना तो फिर इनके पहले जो इनके पहले क्लच के बच्चे थे उनके डीएनए करा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद अब इनके रिंग डाल चुका हूँ मैं माशाल्लाह ये बड़े होने पे। सही है। तो जैसे ही सेल्फ हो जाएंगे इनके मैं डीएनए कराऊंगा। देखो साहब भाई इसके अंदर जो है ना ये ऊपर डंडी पे देखें स्टिक पे ये वाइट कलर के जो बैठे हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ पेस्टल फिशरियाँ हैं ठीक है। और तो माशाल्लाह इसके 5 बच्चे थे, इसमें एक जीडी ब्लू यूविंग की मादा थी। अच्छा ये देखें पीछे से नज़र आ रही है वो देखें। हाँ बोली। और उसके बाद जो है इसकी जो है एक पेस्टल पार ब्लू देखें सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर येलो कलर का ठीक है पार ब्लू के बारे में। और तीन इसके अंदर जो है ना पेस्टल फिशरियाँ निकली थी, तीन पेस्टल। हाँ ये सेल्फ बच्चे हैं, इनके डीएनए भी हो चुके हैं ना। तो इसमें पेस्टल पार ब्लू से लेके सारे जो है वो मेल हैं और डीडी ब्लू यूविंग ये देखें ये वाली ये बैठी हुई सामने ब्लैक कलर में ना ये फीमेल है। अच्छा हाँ। ये भी पीस बुक है आपके पास? ये भी बुक है। सही। और सामने देखें ये इसकी माँ है इन बच्चों। अच्छा, की सबकी जो मैंने आपको छोटे वाले दिखाए थे मटकी में और अभी जो पीछे सेल दिखाए वो भी ये डीडी ब्लू यूविंग पार ब्लू की मादा है। अच्छा ये इसके बाद ब्लू फिशरी का मेल है। अभी इसके देखें माशाल्लाह जो है ना मैं आपको बॉक्स के पार दिखाता हूँ। ये देखें उसमें भाई इसके अंदर माशाल्लाह 2 eggs हैं। अच्छा अच्छा। और 2 ही chicks निकाले हैं इसने। सही जबरदस्त। ये इसके तीसरे क्लच के हैं। तीसरा इससे पहले जो आपको दिखाए थे वो सेल थे, उससे पहले जो दिखाए थे वो छोटे थे और ये तीसरे क्लच के माशाल्लाह बच्चे निकलना शुरू हो गए। अच्छा यहाँ पर बताएं देखें अपना उसामा भाई ये जो उसके अंदर ब्लू फिशरी मेल है ना। अच्छा अच्छा। ये उन सबके जो है वो पेरेंट्स के अंदर जो बाप है ना वो ये। अच्छा अच्छा। मतलब पार ब्लू सबके साथ आप ये मेल लगा रहे हैं? पार ब्लू जो फीमेल दिखाई थी उसके साथ ऊपर वाला जो फिशरी ना ये मेल था। ये मेल जिनके बच्चे मैंने आपको सेल्फ और हैच हुए और जो छोटे दिखाए थे अब इसको मैंने पार ब्लू की दोबारा मादा दी है दूसरी। ये दूसरी वही मेल यहाँ लगा। हाँ वही मेल मैंने यहाँ लगा और अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। देखें मादा की आपको बैंड दिख रही होगी। सही सही। ये लेंग पे आ रही है माशाल्लाह। मतलब ये कुछ दिन में अंडे दे देगी। सही है जबरदस्त। अच्छा उसामा भाई ये देखें मेरा रोजी कोली ऑफलाइन का जो है पैर है। अच्छा अच्छा। ये मैंने फॉस्टरिंग के नहीं लिया था। अच्छा। लेकिन कलर बड़ा प्यारा लगा उसके बच्चे जो है अच्छे आ रहे थे तो मैंने इन्हीं के बच्चे मतलब हैच करवा लिए। देखें चार इन्हीं से ही करवाए। हाँ चार बच्चे ये बैठे फ्लेकिंग करता है ये। अच्छा अच्छा। हाँ इसने चार बच्चे ये हैं और इससे पहले क्लच में जो है ना इसने 2 बच्चे निकाले थे। अच्छा। वो सेल्फ हो चुके हैं वो घर पे मेरे पास। अच्छा अच्छा। और बाकी चार बच्चे ये हैं तो ये मैं हो सकता है फॉस्टरिंग के लिए लूँगा आगे। अच्छा यही बच्चे ये चारों बच्चे भी। हाँ सही है जबरदस्त। और असाना भाई ये मैंने एक शौक में पैर लिया था तो ये भी देख लें। वैसे मेरे को इसका कोई तजुर्बा नहीं है ना। अच्छा ये शौक में लिया था मैंने। अच्छा एग्जीबिशन फेलो वर्किंग का पेयर है। अच्छा अच्छा। हम मतलब जैसे जिनसे लिया उन्होंने ही बताया मेरे को ना। इसमें देखें एग्जीबिशन रेडाई मेल है। अच्छा, अच्छा और फीमेल जो है ना इसके अंदर ये देखें सामने ही बैठी है। ये फीमेल है। ये ब्लैक आई स्प्लिट फेलो जो है फीमेल है। अच्छा अब पता नहीं मेरे को लग रहा है ये फीमेल नहीं है गालिबन ये बच्चा है। अच्छा हाँ देखें वो बच्चा था जो बाहर बैठा हुआ वो अपने बाप बच्चा था फीमेल ये फीमेल ये दोबारा लेंग करके बैठी हुई है ना। अच्छा माशाल्लाह। ये आपने शौक में लिया? ये शौक में लिया था मैंने। अच्छा, तो माशाल्लाह इसने ब्रीड कर दी और पहले क्लच में 4 बच्चे निकाले चारों मौजूद है इसके साथ। अच्छा, माशाल्लाह। और 2 eggs देके बैठी हुई है अभी ये। 2 अंडे आ गए। हाँ 2 अंडे। अच्छा अभी मजीद और आने। हाँ जी तकरीबन 7 अंडे देती है। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह से आपके पास जो ब्रीड्स वगैरह देखी माशाल्लाह से काफी म्यूटेशन आपने लगाई हुई और टोटल म्यूटेशन पर काम कर रहे हैं तो इस हवाले से बताएं क्या मशवरा देंगे अगर कोई इस पर इस तरफ आना चाह रहे तो? देखिये मैंने अपनी वीडियो में भी और अक्सर जो है वो लोगों को ये मशवरा दिया है फोन पे भी कि आप जब म्यूटेशन की तरफ आना चाह रहे हैं तो हेवी अमाउंट से अगर शुरू करना भी चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि नया फैंसियर ना शुरू करें ना। अच्छा, अच्छा। नए फैंसियर कोशिश ये करें कि जो है वो पहले कुछ फिशर वगैरह जो है पाल लें। चलो बट हल्की हल्की ब्रीड है। हाँ हल्की ब्रीड पाल लें और एक्सपीरियंस आ जाए। हाँ ताकि जो है वो आपको बर्ड पालने का आइडिया हो जाए। सही। उसके बाद फिर पार ब्लू से स्टार्ट लें। अच्छा अच्छा। ऑफलाइन हो गया पार ब्लू हो गया और फिर दीगर म्यूटेशन है लेकिन कोशिश करें जो नए अगर नए हैं आप तो रेडाई बर्ड से शुरू ना करें ब्लैक आई बर्ड से काम करें ना। सही। ताकि जो है वो आपको पालने में आसानी रहे और दिल भी ना टूटे। रेड आई बर्ड जो है ना सर्वाइव नहीं करता। सही बात है। और ब्रीड भी थोड़ा मुश्किल है उसके। हाँ ब्रीड भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आती है बहुत काफ़ी लोगों के पास आ रही है कुछ ब्लड लाइन ऐसी हैं
जो ब्रीड कर जाती हैं और अच्छे अच्छा, रेशियो अच्छा, आते हैं तो, लेकिन ये कि नया फैंसियर ना करे तो अच्छा है। सही है, ब्लैक आई बर्ड पे काम स्टार्ट करें। हाँ, कोशिश पहले करें कि आप जो है ना वो नॉर्मल बर्ड जो है वो लेके जो है ना काम शुरू करें। फिशर हो गया, लोटिनो हो गया, इस तरह के बर्ड लेके काम शुरू कर दें ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इनमें बीमारियां क्या होती है, क्योंकि म्यूटेशन भी जो है वो इसी तरह पलती है। सही बात है। बाकी जो है अगर कोई हमसे पूछना चाहेगा तो इंशाल्लाह हम आपको उनको गाइड करेंगे कि जिस तरह हम फॉस्टिंग करते हैं या किस तरह मेल फीमेल को तोड़ते हैं दूसरे मेल से लगाते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं जो पूछना चाहेगा मैं बता दूंगा। अच्छा ये भी बताएं इस वक्त पारबिलू की क्या कॉस्ट चल रही है, मतलब ब्रीडर पेयर और चिक्स में भी? देखिए ब्रीडर तो मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा। अच्छा। मेरे पास आपने जितना भी सेटअप देखा मैंने चिक्स से लेके जो है शुरू किया था और चिक्स से ही सारे बड़े करके जो है ना फिर उनको ब्रीड पे लगाया। ब्रीडर पेयर का ऐसा होता है कि ब्रीडर आपने किसी से लिया और आपके घर में आके वो ब्रीड ना करें। सही बात है। ठीक है, तो बेहतर ये कि आप पट्ठे लें और पट्ठों से शुरू करें। और अभी तकरीबन मैं समझता हूँ मार्केट के हिसाब से जो है ना वैसे पारब्लू आपका 15,000 से लेकर 25,000 तक कॉस्ट कर रहा है, जैसा ब्रीडर जैसी क्वालिटी उस तरह का हिसाब किताब है। मतलब ब्रीड के ऊपर है, जैसी ब्रीड होगी? हाँ, जैसी ब्रीड होगी जिस तरह की उसकी जो है वो मार्किंग वगैरह होगी, साइज होगा, क्वालिटी होगी, इस तरह। सही। और ये भी बताएं मतलब उसके लिए पहचान के लिए क्या करना पड़ता है, बिलफर्ज कोई ब्रीड आप ले रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको समझ भी हो या किसी से मशवरा करें? मशवरा कर लें, देखिए ज़्यादा अच्छा है आप जब पेयरिंग करने जा रहे हैं तो उस वक्त पहले मशवरा कर लें। सही बात है, ताकि आपको पता लगे कि आपने पेयरिंग तो जो है वो गलत नहीं कर दी। सही बात है। तो आइडियल पेयरिंग करें, हाँ रिजल्ट गलत आ जाते हैं तो उसके अंदर फिर बेकार। कुछ लोग जो है वो रिंग बर्ड को नॉन रिंग बर्ड से लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा भी ना करें, रिंग बर्ड को रिंग बर्ड से लगाएं, नॉन रिंग बर्ड को नॉन रिंग बर्ड से लगाएं। सही, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आपने नॉन रिंग बर्ड को रिंग बर्ड से लगाया तो वो हाइब्रिड हो जाता है, उसके अंदर वो ब्रीड नहीं करता, ब्रीड नहीं कर पाता। हाँ, वो अगर अंडे दे भी देता है तो वो फर्टाइल नहीं होते, अनफर्टाइल होते हैं, बेकार होते हैं, फिर वो मज़ेदार नहीं है, मतलब पेयरिंग ही सही नहीं हो, पेयरिंग सही नहीं हो पाती। तो कोशिश करें रिंग बर्ड को रिंग बर्ड से लगाएं, पसनाटा फैमिली को पसनाटा से लगाएं, फिशरी फैमिली को फिशरी से लगाएं। सही। तो हमारे पास अलहमदिल्ला पाकिस्तान में गालिबन 3 ही फैमिली अभी तक ब्रीड कर रही है वैसे। अच्छा। जिसके अंदर एक रोजी कोलिस है, दूसरे नंबर पे आपकी पसनाटा फैमिली है जो रिंग बर्ड ही है, और तीसरे नंबर पे जो है ना फिशरी फैमिली है जो वो भी रिंग बर्ड है। अच्छा। पसनाटा की पहचान ये है कि उसका जो है वो मुंह डर्टी होता है, काला होता है, ठीक है, और फिशरी की पहचान ये है कि उसका माथा और चेहरा जो है वो क्लीन होता है, वाइट होता है। तो और बाकी नॉन रिंग बर्ड तो जाहिर सी बात है आराम से पहचाना जाता है, जैसे लबर्ड हो गया हमारा, लोटिनो हो गया, कॉमन लोटिनो, ये तो मतलब कोई भी पहचान। हाँ, ये नॉन रिंग बर्ड है। अच्छा, तो कोशिश करें कि जो है ना वो छोटे बर्ड से लेके काम शुरू करें और जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप म्यूटेशन में आ जाएं, भले मतलब करें एक साल जो आप इसी पर काम करें हल्के ब्रीड पर, थोड़ा बहुत आपको तजुर्बा भी हो जाएगा ब्रीड पे आ जाएगी। तो ऐसा है कि एक साल करें या फिर ये कि हाँ अगर ब्रीड तक काम कर लें ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छा तजुर्बा हो जाता है, ब्रीड का अंदाजा आ जाएगा। हाँ, वरना अगर कुछ 2-4 महीने भी अगर बंदा पालता तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार बर्ड किस तरह हमने पालना है ना, भले उसके बाद चाहे मोशन म्यूटेशन लगाए, क्योंकि म्यूटेशन पट्ठे लेके वो ब्रीड कराएगा तो उसको साल ही लग जाएगा ब्रीड कराने तकरीबन, ये तो उसके बाद फिर ये अब हम कोशिश ये कर रहे हैं अपने नए फैंसियर को आने वालों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और बर्ड भी इसी तरह दे रहे हैं कि एक तो बॉन्डेड रिंग अपना लोकल बर्ड दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर ये कि पेडिग्री मेंटेन करके दे रहे हैं, सिबलिंग बहन भाई नहीं दे रहे, उससे भी ब्रीड में फर्क, उससे भी ब्रीड में फर्क ये आता है कि अगर हम बहन भाइयों को आपस में लगाते हैं तो उसके अंदर बच्चे का साइज छोटा हो जाता है और आगे जाके म्यूटिलिटी का इशू और डेटिंग शेयर का इशू आ जाता है। सही बात है। तो अगर आप जो है वो अलग अलग माँ बाप के बच्चे लेके लगाएंगे तो उससे साइज भी इंक्रीज होता है और अपनी आपकी जो है ना क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो हम जो है जिसको भी दे रहे हैं या जिनको दिए हैं हमने ऑर्डर, उनको हमने सिबलिंग नहीं दिया, उनको इस तरह दिया कि मेल दूसरे पेयर का है, फीमेल दूसरे पेयर की है, क्योंकि हमारे पास पेडिग्री मेंटेन हुई है। और उससे चिक्स में भी ये मसला आता है ना, मतलब बिलफर्ज किसी की आंख में मसला के, हाँ वो जाहिर सी बात है ना, जब वो सिबलिंग लगाते हैं तो उसके अंदर जो है ना फिर मामला तो जाता है बच्चों में भी, हाँ बच्चों में मसला आता है। तो कोशिश करें सिबलिंग लगाएं, मेल फीमेल अलग अलग माँ बाप के हों और पेडिग्री देख के लें। और नए फैंसर को मैं बोलूँगा कि यार आप धोखा अगर खाना से बचना चाहते हैं ना तो कोशिश करें अगर म्यूटेशन में आते हैं तो आप जो है वो पेडिग्री चेक करके लें। अच्छा अच्छा, माँ बाप देख के लें बच्चा, बॉन्डेड रिंग लें कोशिश करके, ठीक है, लूज रिंग ना लें। अच्छा, लूज रिंग में बड़े धोखे चल रहे हैं, लोग इम्पोर्टेड बर्ड सस्ता चीपस घटिया जो है वो बर्ड लेते हैं, उसके अंदर उसका इम्पोर्टेड रिंग काट देते हैं या उतार देते हैं और बड़ा रिंग अपना नाम का डाल देते हैं, बोले हमारी होम ब्रीड है। अच्छा, अब कोई होम ब्रीड अगर बोलता है पहले तो रिंग चेक कर लेगा, रिंग बॉन्डेड है, उसके बाद आप उसको बोले पेयर दिखाएं, हाँ ब्रीडर पेयर, कोई मतलब क्यों अमाउंट पे कर रहे हैं आप? सही बात है। तो मैं मेरे पास अगर कोई कस्टमर मेरा आता है तो मैं अलहमदिल्ला उसको अपना शेड भी दिखाता हूँ, सही बात, अपने पेयर भी दिखाता हूँ, मुतमइन होता है तो उसको देता हूँ, नहीं होता तो मैं जिनके एडवांस भी मैंने लिए हैं ना तो उनको भी मैंने किया रखा, अगर आप मेरे बर्ड से मुतमइन है ठीक है, नहीं होते तो आप अपने एडवांस वापस ले सकते हैं। सही बात, बॉन्ड नहीं है कोई, मतलब भरोसे के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भरोसा हो रहा है तो ले वरना छोड़ दें। सही। और अलहमदिल्ला उसमें भाई मेरा जो है अपना खुद का ऐसे फेवरी के नाम से चैनल भी है। अच्छा। उस पर भी मैं इसी तरह की अवेयरनेस दे रहा हूँ। वैसे मैंने अभी कुछ शेड दिखाया उसके अंदर, कुछ इंटरव्यू लोगों के बड़े
बड़े ब्रीडरों के लिए उसके अंदर अच्छा म्यूटेशन के हवाले से, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ओसामा भाई से दरखास्त करूँगा कि वो अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है वो चैनल का लिंक डाल दें तो उस पर आप जाके देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने बड़े बड़े जो कराची के ब्रीडर हैं, कराची के बाहर के भी जो ब्रीडर हैं उनकी भी मैंने उसमें इंटरव्यू लिए जिसके अंदर हमने म्यूटेशन के ऊपर बात की है। और अब मैं खुद जो सेशन मैंने शुरू कर दिए, मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहा हूँ अलहमदिल्ला, एक वीडियो डाल चुका हूँ। अब कोशिश मेरी है कि हर हफ्ते इंशाल्लाह उसके अंदर एक एक वीडियो डालूँ तो उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी इंशाल्लाह कि अगर जो अर्निंग करना चाह रहा है कि कौन कौन से पेयर हम लगाएं, मतलब उससे आइडिया हो जाए, आइडिया हो जाता है। चले अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर जो है 03422436326। अच्छा, ये जोंग पे मेरा नंबर कन्वर्ट है। अच्छा, और जो है व्हाट्सएप पे भी मेरा यही नंबर है। अच्छा ठीक है, अगर कोई मेरे को फ़ोन करना चाह रहे हैं या कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि मेरे को 9 से 5 के दरमियान में फ़ोन कर लें दिन में। अच्छा ठीक है, हाँ, और 5 से 9 के दरमियान ना करें क्योंकि मैं जो जॉब करता हूँ अच्छा, अपना मेरा काम है, मैं फिर ड्राइव कर रहा होता हूँ 5 से 9 ना, तो रात को 9 बजे के बाद भी भले फोन करें लेकिन 12 बजे के बाद रात को कोई भी फोन ना करें। रात 12 के बाद फोन ना करें, 5 से 9 के दरमियान ना करें, 9 से 5 पूरा दिन करें कोई मसला नहीं है, सही। और रात 9 से 12 बजे करें कोई। अच्छा, ये भी बताएं अभी फिलहाल कुछ फोर सेल हो, ये भी बताएं। देखिए अभी तो फिलहाल कोई भी मेरे पास फोर सेल नहीं है। हाँ, मिस्टी में कुछ बर्ड हैं, अगर कोई शौकीन लगता है चाहता है तो मिस्टी बर्ड कुछ हैं मेरे पास जो मैं निकाल के सेल कर दूंगा। कुछ मेरे पास जो है पारिब्लू यूविन के पीस हैं अच्छा, जो मैंने अपने सिलेक्टेड रोके थे लेकिन मैं अब पेल फेलो पे जा रहा हूँ अलहमदुल्ला। अच्छा, पेल फेलो अलहमदुल्ला मैं परचेस कर चुका हूँ, अनकरीब मेरे पास वो शेड में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, सुना है पेल फेलो की ब्रीड लेना थोड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, कोशिश मैंने ये की है कि पेल फेलो जो है वो मैंने विजुअल टू विजुअल नहीं, विजुअल टू स्प्लिट लगाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर म्यूटिलिटी रेशियो, ब्रीडिंग सेल का रेशियो कम आता है, या फिर स्प्लिट टू स्प्लिट लगाऊंगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे फर्दर मेरे पास आ जाएंगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सका मैं वो दिखाऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो तक मेरा ये शेड ही जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा, क्योंकि मैं अपने शेड को ऊपर लेके जा रहा हूँ। सही सही, मार्च के अंदर इंशाल्लाह मेरे शेड का काम शुरू हो जाएगा। सही, तो नेक्स्ट ईयर जो ब्रीड मेरी होगी वो ऊपर वाले शेड में होगी, लेकिन शेड में इंशाल्लाह चाला ना चाह अप्रैल मई के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा जो मैं नया बनाऊंगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, आपके पास जो सेटअप देगा माशाल्लाह से कुछ नया ब्रीड रखी हुई है और अच्छा माशाल्लाह से अच्छे चिक्स भी अच्छे माशाल्लाह हेल्दी है और ब्रीड भी माशाल्लाह हेल्दी है जी। तो सेटअप देख के माशाल्लाह अच्छा लगा, तो अब याद लेंगे आपसे बिल्कुल। और एक मेरा छोटा सा पैगाम है, अक्सर लोग जो ना पूछते हैं यार कि आप फार्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं और फार्मूले के पीछे लोग भागते हैं। सही बात है, कोशिश करें अपने बर्ड को जो है ना वो नेचुरल पे रखें। अच्छा, मेरा इंडोर है, इंडोर की वजह से मैं D3 वगैरह और मल्टीविटामिन इस्तेमाल करता हूँ। सही बात है, जो कि कोई मतलब मेरे ढके छुपे नहीं है, मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो में भी दिखाया, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, एक तो ये माइलिक का है ना, इसके अंदर 3 का सेट आता है, इसमें माइलिक ई सिलेनियम आता है, माइलिक अपना लाभ अलग मल्टीविटामिन आता है और D3 आता है। अच्छा, ये तीनों यूज़ करता हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं जो है ना वो ग्रोफोर्ट हाँ, जो पोल्ट्री की मेडिसन है। सही, वो पोल्ट्री में यूज़ हाँ, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए दूसरे पे मैं ये ग्रोफोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका, पोल्ट्री मेडिसन है हाँ, और बड़ा अच्छा इसका मेरे को फायदा हो रहा है माशाल्लाह। ब्रीड अच्छी आ रही है, ब्रीड भी अच्छी आ रही है, डेडिंग शेल का भी मसला नहीं आ रहा, अंडे फर्टाइल भी सारे हो रहे हैं, बच्चे भी माशाल्लाह सारे निकल रहे हैं। अच्छा, चिक निकलने के बाद भी ये देते हैं या सिर्फ जब अंडे देने वाले? मैं कोशिश ये करता हूँ हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलाऊं। अच्छा, और उसके बाद जो है तकरीबन मैं इसको तकरीबन 15 दिन के बाद फिर देता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, और माइलिक का भी यही कि मैं हफ्ते में 3 दिन देता हूँ, यानी कि एक हफ्ते अगर ये दिए तो उसके बाद क्लीन रखता हूँ और 10 दिन के अंदर मैं जो है वो सिरका देता हूँ। अच्छा, पानी में, सादा पानी में एप्पल वाला एप्पल विनेगर देता हूँ और उसके 15 दिन के बाद जो है ना फिर ये एक ही चला देता हूँ। सही, भाई ये तो चला रहे हैं, उसके अलावा मैंने ग्रीट लगाई हुई बस, और अच्छा, नहीं है, कोई फार्मूला नहीं और बाकी लूसन वगैरह जो नेचुरल है वही नेचुरल है। चले ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने जो है कवरेज की, सेटअप दिखाया और लोगों को अवेयरनेस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं भी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो है ओसामा भाई के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सही, माशाल्लाह अच्छा सेटअप था। अच्छा, अभी एक और वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे इसके बाद, जिसमें हम थोड़ा ब्रीड के हवाले से बताएंगे और अर्निंग के हवाले से थोड़ी बात करेंगे, ताकि एक न्यू फैंसियर को भी एक समझ में आ सके, मतलब अगर वो सेटअप लगा रहा है तो उसको समझ में आ सके कि कितनी अर्निंग हो जाती है और कौन सी ब्रीड पर जो है काम करे, इस हवाले से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। बिल्कुल, ये थी बात आज के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हमने आपको काफ़ी म्यूटेशन वगैरह दिखाई। अब एक और वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे, उसमें थोड़ा अर्निंग के हवाले से बात करेंगे, तो वो वीडियो भी लाजमी देखेगा। हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन पर उसका जो है लिंक दे सकूं, ताकि आप वहां से भी इजीली देख सकें। तो ठीक है भैया, तो अब इस वीडियो से इजाज़त लेता हूं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।